स्टेशन के हद में हमारे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सीनियर पीआई श्रीयुत बागड़े और उनके सहकारी पीएसआई तारमाड़े और उनका जो टीम है उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के गुने उगड़ किए हैं। उसमें अभी तक 19 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं और 23 इंजिन्स जो मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद उनको तोड़कर बेचा गया था वो इंजिन्स रिकवर हुए हैं। अभी तक 8,24,500 का माल रिकवर हुआ है और 40,000 रुपये रोक रकम रिकवर हुई है। सर, ये किस तरह चोरी कर लेते हैं और ये किनको भेजते थे और जो इसकी खरीदारी करेगी उनके ऊपर क्या हो? इसमें यही मोडस थी कि ये जो मेन आरोपी है दीपक सलगरे अंबरनाथ का रहने वाला है, वो लिफ्ट लेके या रिक्शा में आता था और जो भी कुछ मोटरसाइकिल मिलती है उसका हैंडल लॉक तोड़ के डुप्लीकेट चाबी से वो गाड़ी चालू करके चोरी करके लेके जाता था। कुछ मोटरसाइकिल उसने भंगार वाले को दिए और कुछ मोटरसाइकिल आम आदमी को बेची है। ये जो मोटरसाइकिल आम आदमी को बेची है वो 3,000 से 4,000 रुपये में बेची है। उनको यही बोला गया था कि इसके पेपर्स मैं बाद में बना के दूंगा, लेकिन उनको उसने पेपर्स बना के दिए नहीं है। तभी सभी लोगों को यही आह्वान है कि ऐसी सस्ते में अगर मोटरसाइकिल मिल रही है तो वो पूरे पेपर्स देखने के बाद ही उसका व्यवहार करें। सर, इस मामले में लव मैरिज का मामला है, उसने लव मैरिज किया था उसको मौज मस्ती करने के लिए गाड़ियां खरीदता था और बेचता था, ऐसा कुछ है? हाँ, बराबर है। दीपक सलगरे जो मेन आरोपी है उसने अभी शादी की थी तो वाइफ के साथ मौज मजा करने के लिए ये आसान तरीका उसने ढूंढा था कि आसानी से पैसे मिल जाए और इस पैसों से वो मौज मजा करना चाहता था। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।